सो हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। राइट, सो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया है, तो ऑलरेडी उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। सो आज की क्लास में ना, हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कंबाइंड चैप्टर है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियसली किया है उन्हीं सब क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं दोबारा। तो बड़े ध्यान से समझना इसको अच्छे से। राइट, और पूरा जितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता था प्रीवियस ईयर में, लास्ट 2-3 साल में जो भी आया है, उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑन ऑल टॉपिक, पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे नहीं, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जितने भी हम लोगों ने कवर किया है उनमें से सभी पे। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वही है आप लोगों के लिए अभी तो, कि 30 नवंबर से पहले प्लीज इसको फॉर्म को फिल कर दो। जिन भी बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हुआ है या रह गया है, वो 30 नवंबर से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, 30 नवंबर जो है वो आप लोगों की लास्ट डेट है। मेक श्योर कि उससे पहले आप सभी लोग फॉर्म फिल कर चुके हो जेई मेंस का। ठीक है, चलो ना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। इज द कॉम्प्लेक्स विद द हाइएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ इज। ठीक है, यानी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है, द कॉम्प्लेक्स विद द हाइएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, बताओ किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक दिमाग लगाओ, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि भाई जब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते थे ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो कुछ इस तरीके का बनाया था मैंने, 1 2 3 1 2। नीचे वाले को क्या बोलते थे, ऊपर वाले को क्या बोलते थे, ईजी। यही था ना, टी और ईजी। क्लियर है? तो एक होता था हम लोगों का टी और एक होता था हम लोगों के लिए ईजी। ये दो है ऑर्बिटल्स हम लोगों के। अब मैंने बताया था कि अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा, एक चीज तो ये बताई थी कि अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा, है ना। ये बताया था कि अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और अगर लिगेंड कमजोर हुआ तो एनर्जी गैप कम होगा। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो सभी में लिगेंड तो सेम है। राइट, लिगेंड में सेम है, OH OH OH, मतलब H2O है लिगेंड हर जगह। तो जब लिगेंड सेम हो तब क्या देखना है, तो भाई लिगेंड जब स्ट्रांग है इसका मतलब क्या है कि रिपल्शन ज्यादा हो रहा है ना। और एक चीज और बताई थी मैंने कि जब भी आप 4D और 5D के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो तो उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होता है। तो उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें ये बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी उसमें, कि भाई अगर मेटल जो आप ले रहे हो, उन मेटल सेंट्रल मेटल, उनका साइज अगर छोटा है, यानी जो मेटल है अगर उस मेटल का साइज छोटा है, स्मॉल, ठीक है, मेटल साइज अगर छोटा है, स्मॉल है, तो उस केस में भी रिपल्शन ज्यादा होता है। उस केस में भी रिपल्शन रिपल्शन इज मोर, रिपल्शन ज्यादा होता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास है FeMn, Cr और Ti, बताओ सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है। ध्यान से देखो तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं फटाफट। तो H2O पे तो जीरो चार्ज होता है, यानी Fe पे +3 है, तो ये रहा Fe जो कि +3 के फॉर्म में है, डन। फिर हमारे पास Mn है, Mn भी +3 के फॉर्म में है, सभी 3-3 फॉर्म में है, Cr भी +3 के फॉर्म में है और टाइटेनियम भी +3 के फॉर्म में है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे छोटा साइज इसमें से किसका होगा, ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्योंकि क्रोमियम जो होता है, अगर क्रोमियम ध्यान से देखो तुम, तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है आपका 3D5 4S1, यही होता है ना। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये 3D कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, जल्दी बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3D5 4S1, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 3D5, दो गया +2, तो क्या रखना है, 3D4, है +2 पे 3D4 होता है, तो +3 पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना हो जाएगा, 3D3। एक तो ऐसे देख सकते हो। दूसरा हम साइज का एक पैटर्न देखते हैं बेटा, जो साइज एटॉमिक रेडियस जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को डी ब्लॉक में, तो उस एटॉमिक रेडियस में साफ साफ पता लग रहा था कि अगर मैं बात करूं तो पूरी ये सीरीज क्या होती है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक, ये पूरी सीरीज है। यहां से स्टार्ट होता है 21 से और कहां तक जाता है, 30 तक। ठीक है, 21 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 30 तक जाता है। ठीक है, 21 से लेके 30 तक, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें अगर मैं सबसे छोटे साइज की बात करूँ ना, तो जो सबसे छोटा साइज होता है बेटा वो क्रोमियम का होता है।
आप उसमें भी जाके देखना, जब हमने पढ़ा है कि क्रोमियम का साइज छोटा हो जाता है, ऐसा रीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले साइज लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा, लास्ट में जाके थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जिंक का बढ़ता है ना। तो आपको पता है जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि क्रोमियम का साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा होता है क्रोमियम, और फिर जो मैंगनीज और एफई है उनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना साइज स्टार्ट हो जाता है। तो डी ब्लॉक में एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे छोटा साइज है वो क्रोमियम का है। तो क्रोमियम का छोटा साइज होने के चलते यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, इसीलिए यहाँ पे हाइएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी देखने को मिलेगी। यानी कोई पूछता है कि हाइएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहाँ है, तो वो है क्रोमियम में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड तो चलो कॉमन है सब में, पर यहाँ पे जो मेटल का साइज है, उसका आयोनिक रेडियस है, वो क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। चल नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसमें से जो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, जो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, किसके तरफ शो करना है, तो वो हमें शो करना है जो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने पहले भी पढ़ा था ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन होता है, दोज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ध्यान से देखो ये NiCO और ये सब कुछ है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वही देखो, H2O और H2O। तो इसमें अगर लीगेंड देखो तो लीगेंड का क्या सीरीज याद किया था हम लोगों ने, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ऑक्सलेटो, पानी से एडिटी, अमोनिया इन कैनेडा एंड कोलंबो, ठीक है, इन कैनेडा एंड कोलंबो। तो ये EN काफी आगे दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा H2 H2 और H2 है जो कि वीक लिगेंड्स ही होते हैं नॉर्मली। फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं देखो ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े से बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत जल्दी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। देखो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट क्या है मेरा, ये हो गया हम लोग का निकल, ये रहा H2O, ये रहा 6 2+, ठीक है, तो ये हो गया निकल H2O6 और 2+, क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्लियर है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, वो ये है बेटा कि आप इसका निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल के, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर मैं निकल की बात करूं यहाँ पे, तो निकल के केस में अगर मैं ध्यान से देखो तो एक्स हो गया, और ये तो 0 होता है वाटर पे चार्ज, और ये +2, मतलब निकल इन +2 स्टेट। तो निकल इन +2 स्टेट कितना होता है, 3d8, क्या होता है, 3d8। अब डी के ऑर्बिटल्स को फिल करो, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से इस वाले केस में आ जाओ, कोबाल्ट के केस में, तो यहाँ भी +2 आएगा, तो +2 पे कोबाल्ट कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, 3d7। तो ये हो गया 3d7, 7 को फिल करो, 7 को फिल करो, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सो एन इज इक्वल टू 3। साफ साफ पता लग गया एन इज इक्वल टू कितना है भाई, 3, तो एन इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अगर आप EN को देखो तो EN इज तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ऐसे ही पेयरिंग करवा देगा, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जिंक को देख लो, तो जिंक तो ऑलरेडी पता है Zn +2 में 3d10 होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, जल्दी बताओ, सेकेंड केस में ही दिख रहा है ना, इस वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन को शो करेगा, क्लियर है? जल्दी से बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो दोबारा पूछो एक बार, और आ गई हो तो भी कंफर्म कर दो, जल्दी बताओ बेटा एक बार, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है, जल्दी कंफर्म कर दो एक बार कम से कम, कि आपको समझ आ गया है। डन,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। वी हैव अ लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है, तो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं और लिस्ट टू में हमें ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दे रखी है, और हमें इसको मैच करना है, ठीक है, हमें इसको मैच करना है। तो ध्यान से समझना कि क्या कहानी होने वाली है यहाँ पे, क्लियर है? तो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, तो लिस्ट वन को लिस्ट टू से यहाँ पे आपको मैच करना है और देखना है कि क्या क्या कहानी आ रही है। डन, तो देखो जरा फटाफट। तो पहले केस में हमारे पास एक कॉपर हेक्सा अमाइन कॉपर है, फिर है टाइटेनियम और H2O, FeCN है और NiF4 है। आपको बताना है कि यहाँ पे एनर्जी दे रखी है। देखो बड़ा सिंपल सा कहानी है, यहाँ पे आप इजिली समझ सकते हो लीगेंड को देख के, है ना, कि हमें सबको पता है कि भाई लीगेंड का स्ट्रेंथ क्या होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी थी क्या था, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। अब देखो आई बर्बादी आयोडीन है, बर्बादी नहीं फरार, यानी सबसे फ्लूरीन है, तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्सेलेटो पानी सुनो, तो पानी ये रहा, तो उसके बाद पानी आएगा। ओ ऑक्सेलेटो पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया इन कैनेडा एंड कोलंबो, यानी उसके बाद आएगा सी। डन, तो कुछ इस तरीके का ये पूरा कहानी। एफ है, H2O है, NH3 है और CN है। डन, तो ये हो गया हम लोग का एफ H2O NH3 और CN। चल, ये लिगेंड का स्ट्रेंथ हो गया, यानी साफ साफ पता लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड है और सबसे वीक लिगेंड फ्लोरीन है। तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हो गया और एक वीक हो गया, ठीक है, तो एक वीक और स्ट्रॉन्ग। आप बताओ मेरे को बेटा किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, खुद सोचना और दिमाग लगा के बताना सभी लोग कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सीएन में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात समझ रहे हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो अगर मैं बात करूं सीएन की, ये रहा सीएन, है ना, तो सीएन का क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो आपको इसमें से मैच करना है कि कौन कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। तो अगर मैं सबका ध्यान से बताऊं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, तो अगर मैं कॉपर का देखूं ध्यान से, तो कॉपर का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आएगा, NH3 पे 0 चार्ज है, तो कॉपर +2 हो गया। कॉपर प्लस टू पे क्या है, 3D9 होता है, सबको पता है 3D9 है। नाउ अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, हेंस दे स्प्लिटिंग, क्या होगा यहाँ पे, NH3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, तो एनर्जी तो थोड़ा थोड़ा लार्ज होगा ही होगा, है ना, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। समझ सकते हो कैसे स्प्लिटिंग होगी, ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, यानी एक दो तीन, फिर क्या करते थे, चौथा भी नीचे, चार पांच छ सात आठ, ठीक है, फिर नौ, ऐसे भरते हो। तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, समझ आता है। अगर मैं H2O की बात करूं, तो H2O में टाइटेनियम पे कितना आ रहा है, +3, तो +3 में तो सिर्फ 3D1 हो गया, सिर्फ 3D1 हो गया बेचारा, है ना, यानी इट इज एन ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है H2O, तो इसमें ज्यादा कोई मतलब है नहीं। FeCN में देखो, तो Fe का कितना आ जाएगा, Fe +3 के फॉर्म में 3D5 आएगा, 3D5, ठीक है, एंड CN जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है CFSE वैल्यूज के बारे में कि भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो ऑब्वियसली बात सबसे ज्यादा तो भाई FeCN की होने वाली है, नंबर वन। नंबर टू पे बताओ, नंबर टू पे अमोनिया, इसकी होगी सबसे ज्यादा वैल्यू, फिर किसकी होगी बेटा, H2O, और लास्ट में इसकी होने वाली है फोर, ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4, सबसे ज्यादा इसकी फिर इसकी। अब आपको मैच कर देना है, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो मैच करो फटाफट, क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे निकल के। तो देखो बेटा ए का क्या हो गया, ए सेकंड नंबर पे है, सबसे पहले मैं मैच करता हूँ फोर्थ, फोर्थ सबसे कम है ना, तो फोर्थ का हो जाएगा आपका मैच कर, कैसे करोगे, यस ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, क्यों कि आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सी सबसे स्ट्रांग है, तो सी का है सेकंड -2, ठीक है, उसके बाद देखो सबसे ज्यादा है -2, उसके बाद देखो, उसके बाद स्ट्रांग कौन था सीएन के बाद, सीएन के बाद स्ट्रांग NH3, तो ए का देखो कौन है 1 0.6, फिर कौन सा है थर्ड, डी का क्या हो गया है थर्ड NiF4, तो
तो ये हो गया -1.2। तो इस तरीके से बेटा आप सबको मैच कर सकते हो, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में वैल्यूज निकल के आ जाएगी। देखो एक ना फॉर्मूला भी होता है जिससे हम लोग इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं, तो उस फॉर्मूले को भी तुम एक अगली क्लास में ना कभी टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें करा दूंगा, इस CFSE निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो उसकी हेल्प से और जल्दी से आप कर सको। नीचे देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। अब आपको पहचानना है असर्शन रीजन दोनों में कि क्या सही है क्या गलत है। क्या क्या बोला है? पहला बोला है कि आपको कॉम्प्लेक्स दिया है COCl(NH3)5+ एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस। रीजन है, इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। आपको समझाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले तो ये देखो कि COCl(NH3) एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ देन दिस। अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की अगर बात देखी जाए तो इसमें H2O है, इसमें क्लोरीन और NH3 है ना। तो अब इसका मतलब क्या है? हम सबको पता है कि H2O जो है वो स्ट्रॉन्गर लीगेंड है एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना, क्योंकि क्लोरीन बहुत पहले आ जाता है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेट टू, फिर पानी वाटर आता है, यानी जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना, क्लोरीन के कंपेरिजन में अगर मैं बोलूं। तो आप सबको पता है कि स्प्लिटिंग का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, HC/λ, HC/λ। तो यार अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो इसका वेवलेंथ तो कम होना चाहिए ना, इसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम। तो क्या बोला? सी हैज अ लोअर वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये तो गलत बोल रहा है, फॉल्स है स्टेटमेंट ये, क्योंकि भाई अगर H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कम्पेयर टू क्लोरिन, क्योंकि NH3 यहाँ भी, NH3 यहाँ भी, उसको मैं देख ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे H2O देख रहा हूँ, वहां पे क्लोरिन देख रहा हूँ। तो अगर मैं H2O और क्लोरिन देखूं और उसको ध्यान में रख के अगर बात करूं तो हमें साफ से पता लग रहा है कि H2O क्लोरिन से तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ डेफिनेटली कम होगा, तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट टू देखो क्या बोला है कि इट इज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई जो वेवलेंथ होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो डिपेंड करता है कि भाई वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है या +3 के फॉर्म में है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन सब पे डिपेंड करता है, उसी से एनर्जी गैप भी डिसाइड होता है। तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन बिल्कुल गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? ए। तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटन, BM में मेजर कर रहे हो। नाउ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe इन FeH2O एंड FeCN यू हैव टू कैलकुलेट। तो कोई है जो कैलकुलेट करके निकाल सकता है क्या? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है N N+2। तो आपको बस अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो बताना मेरे को किसके लिए किसकी कितनी आ रही है, दोनों का पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोई बता सकता है क्या फटाफट, कोई भी जो बता सकता हो? एनीवन? मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बी, अनीशा ने बोला है बी। ओके एनीवन एल्स? और कोई जो कुछ बताना चाहता हो? क्या है ऑप्शन करेक्ट? जल्दी बताओ। चलो चेक करते हैं कि बी सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बच्चे ने बोला है बी। देखो बेटा अगर मैं बात करूं FeH2O6 का, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3। अब +3 में ये कितना होगा? 3D5, 3D5, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए भाई इसके, तो ये हो जाएगा 5 5+2 7, 5 35, 7 5 35, √35 आ गया, तो 36 का 6 होता है तो 5 point something, चलो 5.9 ले लेते हैं BM। नेक्स्ट है FeCN, तो यहाँ पे Fe का आएगा अगेन +3। एक तो ये तरीका है निकालने का,
है ना। अब यहाँ पे अगर जो बच्चे इस तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ भी Fe+3 है, यहाँ भी Fe+3 है, तो दोनों में सेम ही आएगा, फिर फर्क क्या है? फर्क है लिगेंड को भी देखना है। आप इस वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। अगर मैं पहले केस में लूं, और मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 2 3, 1 2, इधर भी 1 2 3, 1, दोनों केस का बना रहा हूँ। पहले केस में बना रहा हूँ, जब हमारा Fe है तो H2O इज अ वीक लिगेंड, 3D5 है, तो कैसे भरोगे? 1 2 3, ऊपर जाए कि नीचे, तो डिपेंड करता है लिगेंड पे। तो क्योंकि लिगेंड जो है यहाँ पे वीक है, तो ऊपर भरेंगे 4 और 5, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो C इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो कैसे भरे? 1 2 3, अब चौथा ऊपर जाए कि नीचे ही रहे? नीचे ही रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बचा, जबकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे थे? 5 बचे थे, तो 5 के चलते तो 5.90 आ गया, और एक के चलते कितना आएगा भाई? एक के चलते आएगा 1, और 1 + 2 दैट इज √3। √3 सबको पता है 1.73 होता है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो जिस जिसने भी बी बोला है वो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। जिस बच्चे ने भी बी बोला है वो बिल्कुल ही करेक्ट बताया है, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। समझ आया क्या सबको? एक बार कंफर्म कर दो फटाफट, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा। द कॉम्प्लेक्स दैट डिजोल्व इन वॉटर, तो आपको बताना है ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। बताओ भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो इसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा? चार कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से बताना है कि द कॉम्प्लेक्स दैट डिजॉल्व इन वाटर। देखो तो भाई, वाटर में डिजॉल्व कौन होगा? सिंपल सी बात है, वाटर में डिजॉल्व कौन होगा? बी बोला है मार्वी ने, अभी चेक करते हैं बेटा। वाटर में डिजॉल्व वो होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? जो कुछ पोलर नेचर का हो वाटर के साथ, ठीक है। ऐसे चीजों को सोचो। अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे देखो, लास्ट वाले में यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और OAC का मतलब क्या है बेटे? यहाँ पे एसीटेट आयंस भी हैं। एसीटेट आयंस मतलब CH3, CO नेगेटिव वाला एसीटेट आयंस भी। इन दोनों के दोनों पोलर भी हैं, और इनकी कैपेबिलिटी भी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, इसीलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये वाटर में सॉल्यूबल होगा। क्योंकि इसके अलावा बाकी आप कोई भी एग्जांपल देख लो, उसमें कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड या पोलर बनने की टेंडेंसी नहीं, इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी एंड एसीटेट आयंस, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पोलर बॉन्ड्स एंड फॉर्म बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे आर वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट देखो बेटा, द सेट विच डू नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड्स, आपको ऐसे सेट का सेलेक्ट करना है जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स नहीं, ठीक है। द सेट विच डू नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है, समझो जरा कौन से सेट है, कौन से सेट है जिसके पास एम्बिडेंट लिगेंड्स नहीं है? एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे लिगेंड जैसे NO2 हो गया, ONO हो गया, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एट अ टाइम ओनली कोई वन डोनेट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड्स। कि दो एटम्स होंगे, दोनों के पास कैपेबिलिटी है डोनेट करने की, लेकिन करेगा कोई एक ही, जैसे NO2 में N भी कर सकता है, O भी कर सकता है। तो आपको ऐसे सेट को सेलेक्ट करना है विच डू नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड, जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स नहीं है।
बताओ कौन सा है ऐसा। बताओ भाई कौन सा होगा। बी। वेरी गुड बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई भी दो दो डोनर ग्रुप नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। इथाइलीन डायमाइड की बात करूं, H2N CH2 CH2 NH2। डन। तो एक ये हो गया, तो एक हो गया आपका फर्स्ट C2O4 ट्वाइस नेगेटिव, दूसरा हो गया ये इथाइलीन डायमाइड, और H2O तो आपको दिख ही रहा है, मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। तो ये सभी के सभी ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास एम्बिडेंट वाला फीचर नहीं है ना। यानी द सेट विच डू नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी क्यों नहीं है? यहाँ NO2 है, अभी समझाया, NO2 में OB N भी है, यहाँ भी NO2 है, OB है और N भी है। यहाँ देखो NCS है, तो NCS भी होता है, और NCS को हम लोग NCS भी लिखते हैं, SCN भी लिखते हैं, तो दोनों की कैपेबिलिटी होती है, सल्फर की भी और नाइट्रोजन की भी। दैट्स व्हाई दे आर अ एम्बिडेंट लिगेंड। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ट्राई करोगे जरा एक बार? द करेक्ट ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा किसमें होंगे, उसका एक ऑर्डर अरेंज करना है। द करेक्ट ऑर्डर 2023 का ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। बताओ बताओ, कैलकुलेट करो एक बार। सॉरी, निकाले, चलो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Fe6 की। सबको पता है Fe6 में क्या है, -3 है ना, और CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, लो स्पिन होगा बिल्कुल। यानी Fe पे नॉर्मली +3 आना था, +3 का मतलब 3d6, सॉरी +3 का मतलब 3d5, ठीक है 3d5। अब क्योंकि यहाँ पे तो पेयरिंग होनी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, 1 2 3, 1 2, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना अनपेयर दिखा? बस एक। तो पहले वाले में तो भाई सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, काम खत्म। सेकेंड में आ जाओ, Fe6 यहाँ भी Fe+3 फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, यानी खूब सारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दबा के भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5, तो एन इज इक्वल टू 5, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे। डन। नेक्स्ट आ जाओ CO। अगेन CO जो होता है +3 में आएगा ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी। 3d7, 3d7 होता है +2 में, है ना, तो ये हो जाएगा 3d6, 3d6, ठीक है। तो और F बहुत ही वीक लिगेंड है, तो इसको भी फिल करते हैं, 1 2 3 4 5
सिक्स, ठीक है। एफ वीक था ना, तो कितने आ गए, 2 to 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखते जाना भाई। 4 पहले में, 1 5, तो 1 5 और 4 आ चुका है। फिर आता है ऑक्सीलेटो, तो क्रोमियम और ऑक्सीलेटो को देखो, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, ठीक है, +3। कैसे, ऑक्सीलेटो पे ना बेटा -2 का चार्ज होता है, तो -2 × 3 टाइम्स है, तो 6 हो गया, तो -2 × 3 -6, उधर जाके +6, तो 3 आ गया। अब क्रोमियम +3 पे कितना होता है, +2 पे होता है ये 3d4, तो ये होगा 3d3, राइट, 3d3। तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ लेना ही नहीं है, 3 ही तो भरने हैं, तो 3 तो भर ही दोगे। 4 से ऊपर के लिए सोचना होता है ना, कि ऊपर जाना है कि नीचे रिपीट करना है। फिर NiCO4 है, तो यहाँ पे तो भाई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा निकल का, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, तो यहाँ पे 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें देखने को मिले हमें, 1 5 4 3 5, मतलब FeF6, यानी सबसे ज्यादा है बी, सबसे ज्यादा है बी, बी के बाद है 5, के बाद है 4, दैट इज सी, बिल्कुल सही, और सबसे कम ई है, बिल्कुल सही, ए का है सेकेंड लास्ट 1, बिल्कुल सही। तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस, समझ आया ना, ऑप्शन डी कैसे करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, द ऑक्टाहेड्रल डाइमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज अमंग द फॉलोइंग, तो आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा ऑक्टाहेड्रल है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की सारी कहानी बताई थी मैंने, कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब बनता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ये सब कहानी, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है हम लोगों का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दिखता है, तो हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बचेंगे नहीं। अब आप बताओ इसमें से कौन है, इसमें से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके हिसाब से। बताओ बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन है इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वेट वेट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बताना है आपको कौन है इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई बताओ, देखो ये COCl6 है, COF6 है, दीज ऑल आर द वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड से क्या होगा, वीक लिगेंड से तो भाई खूब हाई स्पिन होता है, मतलब खूब सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, तो वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन और खूब सारा बचेगा। यहाँ पे भी ये वीक लिगेंड है, तो यहाँ तो हम देख ही नहीं रहे टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में आए, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के चलते यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, लो स्पिन मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे, और इसीलिए वो डायमैग्नेटिक भी होगा, ठीक है। चाहो तो आप करके भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3, +3 मतलब साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी, 3d7,
3d6 कर लो, 3d7 + 2 में आता है ये, जो भी मैं याद करने का तरीका बताऊं, +2 में बताया आपको, तो +3 में 3d6 हो गया। अब देखो +3 में 3d6 हो गया, अब हमें फिल करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा बताओ? तो उस केस में डायमैग्नेटिक ही तो होगा, तो सिंस एन इज इक्वल टू 0 हेयर, राइट, सो दिस इज डायमैग्नेटिक, तो ये क्या होगा, डाया, समझ आ गया? तो सिंस एन इज इक्वल टू 0, दिस इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर, बात समझे? तो इस तरीके से आपको बेटा ये याद रखना है, डन। चल फिर आता है मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, मैचिंग टाइप का फिर से क्वेश्चन है। CrCN6 है, PH2O6 है, CrNH3 है, और NH3 देख रहा है निकल के साथ, बताना है किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर उसको मैच करना है। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड पता ही है हम लोगों को, सीआर, तो क्रोमियम का देखते हैं। तो क्रोमियम के केस में आएगा ये मेरे ख्याल से 3, तो +3 में नॉर्मली क्रोमियम होता है 3d4, तो 3d3 हो गया, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं लिगेंड का इफेक्ट, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होगा, तो इसको तो भूल जाओ, इसको देखना ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Fe2O6, सिंस H2O इज अ वीक लिगेंड है ना, एज कम्पेयर टू हियर वी हैव NH3 ना, तो उसके कंपेरिजन में तो बेचारा वीक ही है, तो वीक है, तो Fe2O में क्या होने वाला है बताओ? तो ये Fe2O6 हो गया, तो Fe पे कितना चार्ज आया, नॉर्मली Fe में कितना चार्ज आया, +2, बिकॉज H2O पे 0 चार्ज होता है, तो इस पे कितना चार्ज आ गया बेटा, +2, ठीक है याद रखना, तो Fe पे +2 आ गया है, ध्यान से समझो। तो ये हो गया, लिगेंड वीक ही है, तो फिल करें, +2 पे ही होता है 3d6, वीक फिल लिगेंड है, 1 2 3, 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6, तो एन इज इक्वल टू कितना आया, 4, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर थर्ड पे चलो, थर्ड पे क्या कहानी है, थर्ड पे अगर आप ध्यान से देखो तो CONH3 ही है, पर CO है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा भाई, कोबाल्ट में भी आएगा +3, तो +3 में कोबाल्ट कितना हो जाता है, 3d6, 3d6 हुआ ना, राइट? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ देखो, तो ये CO+3 है भाई, तो CO कोबाल्ट कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी है ना, कॉपी, तो ये कितना होता है 3d7, पर +3 में है तो 3d6 हो गया, इसको भी फिल कर लेते हैं, डन, इसको भी फिल करो भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा अगर इसको फिल करने जा रहे हैं तो। अब कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा थोड़ा सा, क्यों कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का काम करेगा, क्या रीजन है? तो अगर मैं कोबाल्ट के साथ बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का काम ये इसलिए कर रहा है कोबाल्ट के साथ, बिकॉज कोबाल्ट का साइज थोड़ा सा छोटा है उसके कंपेरिजन में, है ना, तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, सो वी कैन से दैट देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन इज इक्वल टू 0। नाउ अब फोर्थ केस है, एक उसको भी कर लेते हैं, NiNH3, तो Ni+2 आएगा, और +2 में हम सबको पता है क्या आएगा, 3d8, ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, ये +2 है, ये +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब ही है उसका साइज छोटा हो रहा है, रिपल्शन वहां पे ज्यादा होगा, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अभी आ जाओ Ni+2 के फॉर्म में, तो Ni+2 के फॉर्म में क्या है, 3d8 देखने को मिल रहा है, तो दिस इज 3d8, राइट? नाउ अब अगर ये 3d8 देखने को आपको मिल रहा है, तो 3d8 है और लिगेंड है अमोनिया, तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है इसके लिए, ठीक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे बताओ,
एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एन इज इक्वल टू टू, तो ये टू हो गए। यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, फोर। तो फोर किसमें है, फोर है पहला सेकंड केस, दैट इज FeH2O। तो इन सबको मैच कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी सी। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का थ्री है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया क्या, जल्दी बताओ एक बार यहाँ तक। डन, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो एक बार फटाफट, अगर क्लियर है तो बताओ। डन, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। तो दो दो तीन तीन चीजें पूछी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, कि कौन सा ऑक्टाहेड्रल है। तो आपको पता है जहां भी छह का केस होता है वो ऑक्टाहेड्रल तो होता ही है। दूसरा चीज पूछा है डायमैग्नेटिक भी हो और स्टेबल भी हो, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक भी देखना है और स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो जहां भी हम लोग को ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखने को मिलता है वहां पे हम लोग बोलते हैं जनरली कि पेयरिंग हो जाएगी और ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक ही होता है। यहाँ देखो ध्यान से, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि एक्टिव मेटल है, तो ये 3 Na+ और ये टूटेगा CO Cl6-3 में। हाँ, CO Cl6-3 में। अगर इसी तरीके से इसको हम तोड़ते हैं तो ये टूटेगा, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया एक CoH2O6 और Cl2, इसको तोड़ो फिर से। तो ये 3K+ CO Cn6-3, ठीक है। और ये तो है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक कॉम्प्लेक्स आपका ये रहा, दूसरा तो आपको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है, तीसरा ये रहा और चौथा भी एज इट इज लिखना है। अब इसमें मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको कहाँ दिख रहे हैं। Cl इज अ वीक लिगेंड, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। तो ऑब्वियसली Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के चलते हो गई कहानी यहाँ पे सारी, है ना, कि भाई कोबाल्ट है यहाँ पे, Cn6 है, -3 का चार्ज है, तो कोबाल्ट पे आया +3, +3 का मतलब हुआ 3d6, 3d6 के साथ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो फिल कर दो 1 2 3 1 2, कैसे फिल करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सो हियर वी कैन से दैट एन इज इक्वल टू 0, सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन एवर देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी से इट्स अ डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल हो गया, समझ आया सबको। और दिस इज मच मच स्टेबल, वाई, बिकॉज हेयर वी कैन से दैट ओनली देयर T2G इज फुल्ली फिल्ड, EG इज कंप्लीटली अनफिल्ड। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो, या तो T2G फुल फिल्ड हो या T2G हाफ फिल्ड और EG हाफ फिल्ड हो, तो स्टेबल ज्यादा होता है। यहाँ पे T2G कंप्लीटली फिल्ड है, तो वी कैन से दैट दिस इज मच मच मोर स्टेबल। और मेन तो आपको दो ही चीज देख के पता लग जाता है कि डायमैग्नेटिक देखना है, और डायमैग्नेटिक हमेशा जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डायमैग्नेटिक वहां पे होने के पूरे पूरे चांसेस। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। सो आपको इन कॉम्प्लेक्स के लिए बताना है करेक्ट ऑर्डर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। तो कैसे बताओगे भाई क्या होगा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स आयन का, ठीक। सो देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास क्या है, लीगेंड देखना है यहाँ पे। सो वी हैव लीगेंड और ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना है मेटल का, दो दो चीजें देखनी है। तो अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, दो तीन चीजें ध्यान से समझना। वो ये है बेटा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है, म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट एन एन प्लस टू, अंडर रूट एन एन प्लस टू, ये है म्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ मेरे को सबसे ज्यादा सबसे कम किसका होगा। तो देखते हैं लिगेंड का क्या कहानी है भाई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, सो वी हैव
टू लिगेंड्स, थ्री काइंड्स ऑफ लिगेंड वी हैव, राइट? दैट इज वन वी हैव साइनाइड, वन वी हैव फ्लोरिन एंड वन वी हैव बीआर। सो एक ट्रिक बताया था तुम लोगों को याद करने का, क्या? दैट इज आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, राइट? सो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, तो आई बर्बादी मतलब ब्रोमीन इज वीकेस्ट, वीकेस्ट। उसके बाद आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, फिर फ्लोरिन आता है और कैनेडा एंड कोलंबो, यानी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, ठीक है? बहुत ज्यादा, तो साफ से पता लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा वीक लिगेंड है, यानी ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? जितना वीक लिगेंड होता है उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होती है, बहुत बार कर चुके हैं उस समय से, तो नो नीड की दोबारा हम इसको डिराइव करें। तो ब्रोमीन वीक लिगेंड है, तो इसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। देन कम्स फ्लोरिन। अब ये दोनों साइनाइड साइनाइड है, तो यहाँ पे आपका कैसे दिमाग चलेगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिमाग चलेगा कि अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe+3 फॉर्म में क्या होगा? 3D5। और जो Mn है, Mn वो भी +3 फॉर्म में आएगा क्या? हाँ, तो वो हो जाएगा 3D4, 3D4। तो इसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है? इसका साइज छोटा हो गया है, तो मतलब FeCN और MnCN को ध्यान से अगर तुम देखो, इसका मैं बना के भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सिंस लिगेंड तो सब में बराबर ही है, पर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? तो इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने की बारी आई है, तो अगर मैं बात करूँ Fe में, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ एक है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, दैट इज Mn के केस में, तो 3D4 फिल करना है, 1, 2, 3 और 4, तो n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू 1। तो जहां पे सिर्फ लिगेंड से काम चल रहा है वहां लिगेंड देखो, जहां पे सेम लिगेंड आ गए वहां पे ये सब करके भी देखना है। तो ये सब करके देखते ही क्या पता लगा कि हाँ भाई Mn जो है उसमें थोड़े अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? सी। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज MnBr इज द मोस्ट एंड FeCN6 3- इज द लीस्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो कोई भी डाउट है यहां तक तो मुझे जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है? फटाफट बताओ एक बार, किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक, कुछ भी पूछना हो अभी तक यहां तक। कुछ क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है, इस क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट जो वीकेंड वीक आएगा वहां पे हम नया अपना स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। सो टिल इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, एक दो क्लासेस में कभी और क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कर लेंगे, बट इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, 15-20 क्वेश्चन, जस्ट इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार पूरा रिवाइज कर कंप्लीट चैप्टर को, फिर नेक्स्ट में हम लोग पी ब्लॉक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो अच्छे से इसको पूरा कर लेना। थैंक यू ऑल।